नमस्कार, मैं प्रितिका शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ इम्यूनिटी बूस्टर टी। अब ये इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारे रोगों से लड़ने वाली शक्ति होती है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बाहर कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, उससे लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि हम बाहरी तौर से तो अपने आप को सुरक्षित रख लें, सैनिटाइज़र लगा के, मास्क पहन के, अपने आप को क्लीन रख के। अब ये है कि हमें अंदर से कैसे हमें क्लीन रखना है, तो उसके लिए मैं आपके एक टी बताने वाली हूँ जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और जो बाहर ये वायरस चल रहा है उससे आपको लड़ने में आपकी बहुत मदद करेगी। अब मैं सिखाती हूँ आपको कैसे आप ये टी बनाएं। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, स्टे एट होम, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। अभी हम गैस पे एक बर्तन रखेंगे, उसमें हमें एक कप पानी लेना है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग भी पानी रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ एक कप पानी रखा है। अभी एक चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। एक चम्मच चीनी डालना है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार भी रख सकते हैं। अभी हल्दी डालेंगे। हल्दी बहुत कम लेंगे, आधे चम्मच से भी कम। और हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं डालूँगी उसके जो भी फ़ायदे हैं वो मैं स्क्रीन पर लिख दूँगी। अब अदरक डालेंगे। अदरक थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में डालना है। अभी काली मिर्च लेंगे। काली मिर्च यहाँ से मैंने यहाँ 7 से 8 लिए हैं, उन्हें अच्छे से हमें पीसना है। अभी हम आधा नींबू लेंगे। आप अपनी चाय की क्वांटिटी के अनुसार भी नींबू रख सकते हैं कि आपको कितना नींबू लेना है। जितनी भी सारी चीज़ें हमने इसमें डाली उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। जब तक ये अच्छे से उबलने ना लग जाए तब तक हमें इसे पकाना है। जैसा कि मैंने बोला, ये इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है, पर ये नॉर्मली जो कफ, कोल्ड और जो बुखार आता है उसमें, उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो हम तब भी उसे बना के पी सकते हैं। ये बनके तैयार हो गई है, तो इसे अब मैं कप में डाल लूंगी।
अब मैं अपनी बालकनी में बैठ के जो बालकनी का व्यू है उसके साथ बैठ के से इंजॉय करूँगी। आप भी बनाइए और अपनी फैमिली को भी पिलाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।